सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। बिहार में एक जगह है बाढ़ के पुलिस ने कैसे आदमी को 107 के तहत बुक किया है जिसको गुजरे 5 साल हो गए हैं। जो आदमी 5 साल पहले मर चुका है उसके नाम से कोर्ट का नोटिस आया हुआ है कि 11 सितंबर को आपको अदालत के सामने पेश होना है। पुलिस ने एक इलाके में मंदिर है और मंदिर के चंदे को लेकर के बवाल चलता रहा, एक मुकदमा चल रहा है और आशंका इस बात की है कि उस इलाके में माहौल ख़राब हो सकता है, शांति भंग हो सकती है। इस लिहाज से पुलिस ने 6 लोगों के नाम दर्ज किए कि इन लोगों के चलते यहाँ कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो सकता है। उन 6 लोगों में से अजय कुमार का भी नाम है, वो अजय कुमार जो 5 साल पहले गुजर चुके हैं। अजय कुमार के पिताजी रामकृत यादव, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पुलिस को कैसे बताएं कि मेरा बेटा तो है ही नहीं और आपने ये जो लिस्ट बना करके कोर्ट को भेजी, ये लिस्ट आपने कैसे बना ली और मेरे बेटे का नाम आपने क्यों डाल दिया। अब इस तरीके से बिहार पुलिस काम करती है कि उसको अगर कोर्ट को कुछ भेजना है तो वो पूछताछ करके या पता नहीं किस आधार पर नाम दर्ज करती है धारा 107 के तहत, यानी माहौल ख़राब करने की आशंका के तहत जिन 5-6 लोगों का नाम दर्ज करके भेजती है उनमें से वो आदमी भी होता है जिस आदमी को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। ये है बिहार की पुलिस। अब उसको शायद लगने लगा है कि गलती हो गई है, इसको सुधार लेना चाहिए, लेकिन पुलिस की गलतियां जो बिहार की वो अंतहीन हैं, उनका सिलसिला ख़त्म होता ही नहीं है। और बलिहारी इस बात की है कि एक गलती अगर होती है तो दूसरी गलती ठीक उसके बाद हो जाती है, तीसरी हो जाती है। एक भयानक जो गलती थी, या यूं कहिए कि बिहार पुलिस की पोल जो खुली वो अभी पिछले महीने ही खुली, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के अंतिम संस्कार के समय। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से हो रहा था, एक पूर्व मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से हो रहा था, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ मौजूद थे, पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जाहिर तौर पर वहाँ थे और 22 राइफलें हवा में आसमान को देख रही थी क्योंकि 22 राइफलों की सलामी देनी थी, यानी कि फायर होना था। जब फायर का वक्त आया तो 22 की 22 राइफलों से फायर नहीं हुआ। यह अपमानजनक किसी मुख्यमंत्री के लिए कितना होगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था का संकट लगातार एक बड़ा सवाल बना हुआ होता है, जिस राज्य का पुलिस का मुखिया यह कहता है कि पुलिस चुस्त दुरुस्त हो गई है और माहौल बहुत बेहतर होने लगा है, उस राज्य में पुलिस की 22 राइफलें खाली चली जाती हैं। वहाँ आरजेडी के एक पूर्व मंत्री थे और उन्होंने इस बात को उठा दिया था, उन्होंने कहा था कि जांच होनी चाहिए पुलिस घोटाले की, पुलिस महकमे में जितनी भी चीज़ें खरीदी जाती हैं वो सारी के सारी दोयम दर्जे की होती हैं, सब में पैसा खाया जाता है, सब में भ्रष्टाचार है, नहीं तो ये 22 की 22 राइफलें आखिर क्यों नहीं चलती। एक घटना मुझे याद आ रही है 2017 की है, वैशाली में एक जगह पर लोगों ने राशन का जो अनाज आता है उसकी कालाबाजारी हो रही थी, लोगों ने घेर करके पकड़ लिया, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आ गई, उसके बाद पुलिस से कहा गया कि आप मामला दर्ज कीजिए, तो थानेदार था उसने अपनी हथेली पर ही मामला दर्ज करना शुरू कर दिया। यह तस्वीर उस बात की गवाही है कि उस पुलिस वाले ने लोगों की शिकायत या दबाव के आगे जब ये समझ लिया कि इस मामले को रफा दफा नहीं किया जा सकता है तो उसने अपनी हथेली पर ही शिकायत लिख ली, FIR जो है वो हथेली पर उसने दर्ज कर लिया, आप यूं भी मान सकते हैं। लेकिन ये इक्का दुक्का घटनाएं हैं जो बताती हैं कि बिहार पुलिस किस हाल में है, कहाँ है और जो पुलिसिंग होती है उसको बिहार में आप किस लिहाज से देख सकते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था का संकट है अगर तो उसको ठीक होना चाहिए, और जो पुलिस महकमे के मुखिया जिनको आप DGP कहते हैं वो दिन रात वीडियो पोस्ट करते रहते हैं कि कमाल हो गया जी, करिश्मा हो गया जी, लोग बड़े अमन चैन से हैं, यहाँ तो हालात बहुत बेहतर हैं, पुलिस और लोगों के बीच में दोस्ताना रिश्ते बन गए हैं और सब कुछ जो है वो पहले से अच्छा होने लगा है। यह जो ज़ुबानी जमा खर्च है और जो मुख्यमंत्री के अपने सपने हैं उनके बीच में पुलिस की एक सच्चाई है जो बहुत संगीन है और उस पर अगर विचार नहीं किया जाता है और पुलिस के सवाल को, पुलिस की समस्याओं को अगर एड्रेस नहीं किया जाता है तो बिहार पुलिस
इस देश में सबसे लचर पुलिस में से एक मानी जाती है और वो रहेगी, क्योंकि आपने वहाँ की दिक्कतों, समस्याओं और चुनौतियों से आंख मूंद रखी है। आप चाहते ही नहीं है कि बिहार पुलिस चुस्त दुरुस्त हो। बिहार में दारोगा भर्ती को लेकर के और पुलिस की भर्ती को लेकर के इतने मामले हैं, वो कोर्ट में चलते हैं, वो सरकार के बीच में चलते हैं, बहालियां नहीं होती हैं, भर्तियां नहीं होती हैं, पुलिस वालों की कमी है, दारोगा की कमी है, अफसरान की कमी है और कोऑर्डिनेशन कमी है। यह गाड़ियां देखिए, थाने देखिए, उनकी राइफलें देखिए, बंदूकें देखिए, सब थकी हारी, जिनका अस्थि पंजर ढीला हुआ पड़ा है, वो सब के सब बिहार पुलिस के पास हैं। ऐसे में पुलिस इसी तरह की रिपोर्ट बनाएगी जैसे उसने बाढ़ में बनाया कि जो आदमी नहीं है उसके नाम पर आप 107 डाल दीजिए, कोर्ट से समन आ जाएगा कि आप चले जाइए। उसका परिवार परेशान हो जाएगा, भैया हम कहाँ जाएं, जिस बेटे के नाम पर आपने नोटिस भिजवा रखा है वो तो है ही नहीं। तो इस तरीके से एक पुलिस महकमा काम करता है। और बिहार में हर ज़िले में रोज़ाना अगर बिहार की पुलिस की करतूत को आप बारी बारी से दिखाना चाहें तो एक चैनल लगातार दिन भर चल सकता है, फिर भी वहाँ चीज़ें दुरुस्त नहीं हो रही हैं, यह अपने आप में हैरत की बात है और दंग होने वाली भी है। फिलहाल खबर जो थी बाढ़ की वो मैंने आपके सामने रखी और बिहार पुलिस की हालत भी उसी हवाले से आपको बताई है। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।